स्वागत और अभिनंदन। आज इस वीडियो के सौजन्य से आपको बताया जाएगा कि दही खाने का सही मार्ग कौन सा है, उपाय कौन सा है। कई सारे लोग कभी कभी ये दुविधा में पड़ जाते हैं और हमसे व्हाट्सएप पे प्रश्न भी करते हैं कि गुरुदेव, दही को चीनी के साथ खाएं या नमक के साथ खाएं। तो आज हम इसी पर कुछ स्पष्टीकरण और अपना खुद का अनुभव साथ में जो शोध किया है, स्वाध्याय के माध्यम से, विचार मंथन के माध्यम से और अपने ऊपर अप्लाई किया है और कई लोगों को खिलाया भी है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि चीनी के साथ दही किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। जो लोग पित्त के रोगी हैं, जिनके शरीर में पित्त बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है, जलन मचता है, मिचली आती है, या फिर जो कमजोर शरीर के हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोग, और जो व्यायाम करते हैं, हाई वोल्टेज व्यायाम करते हैं सुबह के लिए, तो वो लोग सुबह के नाश्ता में दही में चीनी मिला के खा सकते हैं। और चीनी की जगह पर आप मिश्री का पाउडर भी मिला करके खा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको सर्दी जुखाम बुखार नहीं होना चाहिए, कोई फेफड़े में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तभी आप हजम कर पाएंगे, पचा पाएंगे। लेकिन जो लोग डायबिटिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, पेशेंट हैं शुगर के, ऐसे लोगों को चीनी डाल करके नहीं लेना चाहिए। या फिर जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा है या जो अपने वेट को घटाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी चीनी डाल करके दही बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, नहीं तो और मोटे हो जाएंगे, उनका पेट लटक जाएगा, सीने से बाहर उनका पेट लटक जाएगा, फिर उनकी औरत उनके पिछवाड़े पे लात मार के उनको भगा देगी, क्योंकि वो बेडौल हो जाएंगे। अरे जिस पुरुष का पेट अगर छाती से ऊपर हो गया या जिस महिला का पेट आगे लटक गया, तो फिर उनका जो पारिवारिक जीवन है, जो स्मार्टनेस है, हैंडसमनेस है, वो ख़त्म हो जाती है, बेडौल हो जाते हैं, भद्दे लगने लगते हैं। और ऐसे लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन को भोगने में भी बड़ी असुविधा होती है, शीघ्र पतन के से रोगी हो जाते हैं, जल्दी उनका एनर्जी आउट हो जाता है पुरुषों का, और महिलाओं की सेक्स में अरुचि हो जाती है, अर्थात सेक्स के प्रति उदासीन हो जाती हैं, पेट के बढ़ने से स्टेमिना कमज़ोर हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इसलिए जो लोग पहलवानी करते हैं या जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनका बिल्कुल भी पेट नहीं लटकना चाहिए। अगर लटक रहा है तो समझो ना तो उनके शरीर में दम बची और ना वो कुछ कर पाएंगे ठीक से अपनी ज़िंदगी में, केवल लाला बनने से काम नहीं चलेगा। एक शरीर एक राइट शेप में होना चाहिए, कसा हुआ होना चाहिए बॉडी, एकदम घोड़े की तरह है ना, स्वस्थ। इसके अतिरिक्त जो लोग नमक से दोपहर में या और शाम के समय में, या फिर जो डायबिटिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ऐसे लोग काला नमक डाल के या फिर सेंधा नमक डाल करके, काला नमक वो ना डालें दोपहर में दही में, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं उनके लिए सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, या जिनका पाचन तंत्र कमज़ोर है उनको काला नमक 50 ग्राम पीस लो, सफ़ेद जीरा जो घरों में सब्जी को छौंका जाता है, तड़का लगता है, उसके लिए आप भून लीजिए, उसका पाउडर 50 ग्राम, और 5 ग्राम हीरा हींग आती है, वो 5 ग्राम उसको भून के पाउडर बना के तीनों चीज़ें रख लो। ज़्यादा करो तो 50 ग्राम काली मिर्च भी मिला सकते हो। यदि आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, यदि आपको सर्दी जुखाम बुखार जल्दी आता है और दही खाने के शौकीन हैं और नहीं खा पाते हैं, तो आप ये 3-4 चीज़ें आप मिला करके
रोजाना लेना शुरू कर दो, आपको नाक की एलर्जी से भी छुटकारा मिलने में आसानी होगी, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, साथ में आपका पाचन तंत्र बड़ा मजबूत हो जाएगा, भूख प्यास अच्छी लगेगी और इससे वेट गेन भी अच्छे से होगा, गैस नहीं बनेगी आपके लिए। ध्यान देना, गैस की प्रॉब्लम है तो आप इसी तरह से लें जो ये मैं फार्मूला बता रहा हूँ। इस तरह से जो डायबिटीज़ के रोगी हैं वो भी ले सकते हैं। शाम को भी आप इस तरह से आप दही का सेवन कर सकते हैं, लेकिन दही का सेवन बुखार में, सर्दी में, जुखाम में आपको लेने से बचना चाहिए। यदि आप अच्छी कसरत नहीं कर रहे हैं तो दही आपके लिए जुखाम कर सकता है, खांसी कर सकता है, संक्रमण से ग्रसित कर सकता है, क्योंकि ये ठंडी तासीर का होता है। तो इसके लिए तरगरम बनाने के लिए जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, दोपहर के दही के साथ और शाम के दही के साथ वो इस तरह से लें। हालांकि मैं अपना अनुभव दे रहा हूँ, मैं तो तीनों समय चीनी मिला करके ले सकता हूँ, मिश्री मिला करके भी ले सकता हूँ, लेता भी हूँ। अच्छा, कुछ लोग गुड़ के साथ में भी दही को लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और डायबिटीज़ के रोगी भी गुड़ के साथ में दही को ले सकते हैं, बड़ा सुपाच्य हो जाता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, किडनी लीवर इन सबको साफ करता है, मजबूत बनाता है, डिटॉक्सिफाई करता है आपके अंदर के अंगों के लिए, आंतड़ियों को मजबूत बनाता है, जो दोपहर में मैंने फार्मूला बताया, काला नमक या फिर सेंधा नमक और ये काली मिर्च, ये जो मैंने फार्मूला बताया ये आपके हाथों से संबंधित जो प्रॉब्लम है, कीड़े हैं, बच्चों को कीड़े हो जाते हैं पेट में, उससे भी बचाता है, या अल्सर हो जाता है पेट में, ये होने ही नहीं देता, पेट के कैंसर तक को ये ख़त्म करने में सक्षम है, ये जो मैंने फार्मूला बताया, मीठे से खाने वाला नहीं, नमक वाला जो फार्मूला, अतड़ियों में इन्फेक्शन से ये बचाता है, लीवर को मजबूत रखता है, पीलिया नहीं बनने देता है जल्दी, हड्डियाँ मजबूत रखता है, भूख प्यास अच्छी लगती है, आप ले सकते हैं इस तरह से। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका भला हो। अगर आपके बच्चे को भूख प्यास नहीं लगती है तो आप ये नमक मिला करके जो फार्मूला बताए इसका सेवन आप कराइए, आपके बच्चे को इतना भूख लगने लगेगा कुछ कहने में। ठीक है, ओम शांति ओम क्रांति। कितनी मात्रा में लेना चाहिए, जितना आप अच्छे से हजम करें। जवान आदमी एक कटोरी दो कटोरी ले सकता है, जो ताकतवर व्यायाम करता है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बच्चे को आधा कटोरी व्यायाम दही पर्याप्त हो जाएगा, मैंने 50 ग्राम दही पर्याप्त है, जो 12 साल से नीचे बच्चे हैं, जो जवान है वो 100 ग्राम तक दही ले सकते हैं, जो पहलवानी करते हैं वो 200-250 ग्राम दही भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओम शांति ओम क्रांति। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अच्छाई को ब्लॉक नहीं करना है, इसको रोक के नहीं रखना है, ठीक है, ताकि सबका भला हो।